गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग वीडियो सिर्फ उन महिलाओं एवं लड़कियों के लिए हैं जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहती हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहा है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैं किनके पार्लर में आई हूँ और ये कौन है, ये कौन है, आपको तो पता ही होगा दोस्तों। लास्ट व्लॉग तो आप लोग देखे ही होंगे। ये माधुरी दीक्षित हीरोइन जी है, बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी लोकप्रिय ये अभिनेत्री है और ये हमारी अंबिकापुर की अभिनेत्री है, पार्लर वाली हमारी बीटास मामी जी रिश्ते में लगती है मामी जी, इन्हीं के पार्लर में हूँ मैं, बीटास यूनिक सेक्स सैलून एंड एकेडमी। एड्रेस आप लोगों को बता दूं मैं, नगर निगम पानी टंकी ऑफिस के जस्ट सामने में ही इनका सैलून है। तो चलिए अंदर लेकर चलती हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट एकेडमी में आती है और प्रैक्टिस करती है, पार्लर का कोर्स करती है। तो चलिए वो स्टूडेंट से भी बातें करेंगे और यहाँ की जो ऑनर है हमारी मामी जी है, इनसे भी ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं। चैनल पे नए बने होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। चलिए अंदर चलते हैं और मामी जी से बातें करते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं फुल डिटेल्स। और सामने ही हमारी मामी जी यहाँ पे बैठी हुई है। हेलो बेटा, कैसी है? बढ़िया, तुम बताओ? और काफी समय बाद मिल रही हूं मैं। समय के बाद कंचन आई है, कैसे, कहाँ बिजी। कंचन बहुत फेमस होते जा रही है ना, यूट्यूब वालों इसे और फेमस करो। चलिए आपको प्यार आशीर्वाद है तो जरूर। आज अभी आज एकदम पता चला सडनली कि आपका एकेडमी चल रहा है, अभी तो कई सालों से चल रहा है लेकिन अभी समर वेकेशन चल रहा है तो उसमें क्या क्या स्पेशल सुनने को आया कि आप चला रही है ना कंचन? जैसे ही मई जून चालू होता है, समर्स चालू होते हैं तो देखते हो की कई लोग गाँव के बच्चे हैं, बाहर के सिटीज के बच्चे हैं, मेट्रोज के बच्चे हैं, एग्जाम हो गए तो बच्चे फ्री हो गए, क्या करें ढूंढने के लिए सोचते हैं कि ड्राइंग कंपटीशन है, दुनिया भर के कोर्सेस हैं। तो हमने भी कोर्सेस चला रखे हैं हमारे यहाँ ब्रिटास यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी, पार्लर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं वो हम सिखाते हैं। जैसे बेसिक हो गया, मेकअप हो गया, केमिकल हो गया, नेल आर्ट हो गया, एक्सटेंशन हो गया, हेयर एक्सटेंशन हो गया, लैसेस एक्सटेंशन हो गया, तो वही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोर्स हैं। वो तो कोई भी बच्चा आता है तो हम लोग पूरी डिटेल बता देते हैं उन लोगों को। और मैं तुमको बताना चाहूंगी कि अभी बहुत जोर शोर से क्लासेस चल भी रही अच्छा, है। क्लासेस चल रही हैं? हाँ, अरे वाह, बहुत सारे बच्चे भी हैं, देखने को भी मिलेगा। हाँ, आज देखने को भी मिल जाएगा, सही समय पे कंचन आई है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि मेरे बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं। चले और पता चला कि दूर दूर से भी बच्चे आते हैं आपके पास सीखने के लिए। ये है कि पूरा सरगुजा एरिया, अंबिकापुर तो है ही, पूरा सरगुजा है। इनफैक्ट रायपुर, बिलासपुर, टिल्डा, जैसे कि मैं बेसिकली एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सबसे पहले मैंने मेकअप करके और बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार दिए हैं तो बहुत अच्छी मुझे उसमें सफलता मिली। तो दूर दूर से बच्चे आते हैं मेकअप के लिए और मेकअप क्लास लेते हैं। तो अलग अलग देखो, कई ब्यूटिशियन भी आते हैं मेरे यहाँ, कई क्या मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगी कि किसी को अगर सिर्फ बेसिक किया है तो वो मेकअप में जा रहा है, मेकअप और बेसिक किया हुआ है तो वो केमिकल में जा रहे हैं। तो मेरे यहाँ प्लस पॉइंट यही है कि सब कोर्स अलग अलग कराए जाते हैं और जिनको जितना नॉलेज है उसके आगे का नॉलेज अगर गेन करना है तो फिर मैं वो चांस देती हूँ। और बहुत ही कम रेट से हमारे यहाँ क्लासेस चालू हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक बड़ा अमाउंट बता दे रही हूँ और क्लासेस चालू कर रही हूँ, उससे लोगों को दिक्कत जाती है। तो यही है कि कम अमाउंट से मैं क्लासेस लेना चालू कर दूँ। चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं और स्टूडेंट से भी मिलते हैं और उनसे भी बातें करेंगे, है ना, कि उनको आके यहाँ कैसा लग रहा है, कब से वो एकेडमी में ज्वाइन हुई है और अभी तक क्या क्या सीखी है। और मैं भी जानना चाहूंगी कि स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। चलो हम लोग कंचन को दिखाते हैं और सबको दिखाते हैं। कंचन देखो, ये सब हमारे बच्चे हैं जो कटिंग वाला कोर्स कर रहे हैं, कटिंग सेक्शन। हाँ सब। हेलो बच्चों, सब लोग मुड़ जाओ इधर। Hello. देखो कौन आया है, पूछो कौन है। ये कंचन है, सोशल मीडिया से हैं, यूट्यूबर हैं। ये तुम लोग को हाईलाइट करने आई हैं। और सब बढ़िया, आप लोग अच्छे हो? चलिए आप लोग से आज ढेर सारी बातें करेंगे, है ना, और कब से आप लोग कोर्स कर रहे हो और कैसा लग रहा है काम करके, ठीक है? अच्छा। अभी आ रही हूँ, अभी बताइए कितना अच्छा। तो अभी चलिए अभी उनसे बातें करेंगे और ये भी जानेंगे कि वो कहाँ से हैं, अंबिकापुर में आई हैं, क्योंकि काफी दूर दूर से जो हमारी बहनें हैं यहाँ पे आ करके पार्लर का कोर्स कर रही हैं। एक हमारी छोटी बहन से बातें करते हैं और अभी ये हेयर का कुछ कर रही है, हेयर कटिंग कर रही है। हेलो बहन, कैसी हो? बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? प्रियंका गुप्ता। कहाँ से हो आप? वाडर नगर। वाडर नगर से आप आए हो अंबिकापुर पार्लर का कोर्स करने के लिए ब्रिटा मैम के सैलून में? जी। अरे वाह, कब से कर रहे हो आप? 10 डेज हो गया मुझे। 10 डेज। और अभी क्या कर रहे हो आप? हेयर कटिंग।
हेयर कटिंग। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हेयर अभी ये कटिंग करना सीख रही हैं, जो हमारी मैम जी हैं वो सिखाई हैं 10 दिन में, कितना कुछ सीखी हैं, सामने रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, अभी ये कर ही रही हैं, है ना। तो आपको यहाँ अच्छा लगता है ना? जी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा जी। और मामी जी को क्या कहना चाहेंगे जो हमारी मैम है? मैम के लिए मैं यही बोलूंगी कि बहुत अच्छी है मैम। मैंने ज्यादा दिन तो नहीं करा अभी, बट मैम का बिहेवियर बहुत अच्छा है। ये भी हेयर का कटिंग कर रही हैं। हेलो बहन, कैसी हो? ठीक हूँ दी। और कहाँ से हो आप? मैं सीतापुर से हूँ। सीतापुर से, मतलब लोकल। देखिए एक हमारी बहन थी वो वार्डअप नगर से आई थी, अब ये सीतापुर से आई हैं। कब से आप कर रही हैं? मैं 7 फरवरी से आई हूँ यहाँ। अच्छा 7 फरवरी, तो आपको 3-4 मंथ होने को है। हाँ जी। क्या क्या सीखी है अभी तक? अभी तक मेरा बेसिक में जैसे पूरा कुछ कम्प्लीट ही हो गया है, बस प्रैक्टिस बाकी है। अच्छा, तो अभी प्रैक्टिस ही कर रही है। हाँ जी जी। तो आइए और भी बहनों से बातें करते हैं हम लोग, है ना। एक और हमारी बहन है जो यहाँ पे हेयर का कटिंग कर रही है। हेलो, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? प्रियंका कश्यप। कहाँ से हुआ? मैं यही प्रॉपर अंबिकापुर से हूँ। अच्छा, कब से कर रही हूँ आप? मेरा 5th मंथ हो गया। अच्छा, और अभी आपको देख रही हूँ मैं हेयर का कटिंग कर रही हूँ, काफी बारीकी से। थोड़ा सा पास लाकर दिखाइए यहाँ पे, है ना। ये देखिए काफी बारीकी से हेयर का कटिंग कर रही है। कौन सा स्टेप दे रही हैं आप? मैं ये लेयर कर रही हूँ और स्टेप मतलब की एडवांस कर रही हूँ। अच्छा, एडवांस कटिंग इसको बोलते हैं। अरे वाह, जैसे देख सकते हैं, है ना, एडवांस का कटिंग कर रही हैं ये। और भी आइए बातें करते हैं, एक हमारी और छोटी बहन यहाँ पे हैं। हेलो, कैसी हो आप? अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? ज्योति साहू। और कहाँ से हो आप? मैं देवनगर से हूँ। अच्छा, देवनगर किधर पड़ता है ये? सूरजपुर से आगे। सूरजपुर जिला से हो आप? हाँ। अच्छा, कब से आप कर रहे हो यहाँ पे? मेरे को 5th मंथ हो गया है यहाँ। अच्छा, और कैसा लगता है? 5th आधा साल हो गया है ना, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ। बहुत अच्छे से हम लोग सीख भी गए हैं। बेसिक कंप्लीट होने वाला है हमारा, बस जो बचा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी आप क्या कर रही हैं हेयर पे? मैं आयरिंग कर रही हूँ, बाल स्ट्रेट। अरे वाह, देखिए यहाँ पे आयरिंग हो रही है और ये गर्म भी है, देखिए गर्म भी है, मतलब फूल यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एकेडमी के नाम से जैसे आप देख सकते हैं, है ना, फूल यहाँ पे क्लासेस चलाए जा रहे हैं हमारी जो ब्रिटा मैम जी हैं उनके द्वारा, है ना। कैसी हो आप? अच्छी हूँ मैम। क्या नाम है आपका? मेरा कौशल्या किंडो है मैम। कहाँ से हो आप? मैं बगीचा ब्लॉक से कैलाश गुफा से हूँ मैम। बगीचा से आई है, जसपुर जिला? जी मैम। काफी दूर से आई है, देखिए काफी सारे बच्चे जो आए हैं यहाँ से, लोकल अंबिकापुर से कोई भी नहीं है, सब बाहर से आए हुए हैं। और आप कब से कर रही है? 8 मंथ हो गया मैम। अच्छा, आपका 1 साल होने को है। जी मैम। क्या क्या सीखी अभी तक से? अभी हेयर कटिंग, थ्रेडिंग सब हो गया है मैम। जी, और अभी आप क्या कर रही हैं हेयर पे? स्टेप करके हम मल्टी दे रहे हैं। मल्टी स्टेप कर रही हमारी छोटी बहन है ना, जैसा आप देख सकते हैं। कितना समय लगेगा इसको अभी? 10 से 15 मिनट में हो जाएगा मैम। अच्छा, 10 से 15 मिनट में आप देख सकते हैं पूरा स्टेप रेडी हो जाएगा। तो ये और भी बहन से बातें करते हैं, इधर मैं देख रही हूँ क्लास में मुझे लगता है सबसे छोटी है ये। हेलो, कैसी हो? एकदम मस्त, आप बताइए। एकदम, मैं भी मस्त। कहाँ से हो आप? मैं अंबिकापुर से हूँ। लोकल से ही से है जी। अरे वाह, कौन से क्लास में अभी आप? मैं 11th गई। 11th गई है, 10th का तो अभी परसों रिजल्ट आया है ना? जी जी। पास हो गई आप? जी। बधाई हो आपको। थैंक यू। और अच्छा, तो कैसे मन में आया कि मेरे को पार्लर का कोर्स करना है, क्योंकि अभी तो 11th जाएंगी, कौन सा सब्जेक्ट लेंगी, तो अचानक से पार्लर? मेरा बहुत पहले से ड्रीम था कि मैं पार्लर सीखूंगी। अरे वाह। स्टडी के साथ मेरे को पार्लर का बहुत शौक था कि मैं को आगे जाके मैम के जैसा प्रोफेशनल अपना पार्लर खोलना था। अरे वाह, तो कब तक आपका पार्लर खुल जाएगा, कितने दिनों में, कितने सालों में खुल जाएगा? अभी टाइम लगेगा मेरे को खोलने में। अच्छा, समय लगेगा अभी, 4-5 साल है ना? जी जी। कोशिश रहेगा जल्दी ही, जल्दी से जल्दी। क्या कर रही हैं अभी आप हेयर पे? अभी तो यू कट में सोच रही काटने का, यू कट स्टेप डालना चाह रही हेयर में। उसके बाद कितना दिन हुआ है आपको यहाँ पे? मेरे को 6 मंथ कम्प्लीट हो गया है। 6 मंथ से कर रही है आप, मतलब स्टडी के साथ साथ आप पार्लर भी आती थी? हाँ, पर डे। अरे वाह, तो देखिए जुनून हमारे। एग्जाम के समय छुट्टियां लिया था मैंने, उसके बाद से मैम दी थी कि नहीं छुट्टी? मैम तो दिया था मैंने, मैं बकायदा छुट्टी के समय छुट्टी मिल जाती थी। मैम कैसी हैं? मैम एकदम मस्त है, मेरे को उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैम के जैसे मैं अपना सैलून खोलूंगा। अरे वाह, इनसे भी अच्छा खोलेंगे और इससे बड़ा। मैं आऊंगी ग्रैंड ओपनिंग में। ओके, जरूर वेलकम है आपका। जल्दी से जल्द पहुंची ना, रिबन कट करने के लिए पूरा ब्लॉक सूट होगा ब्लॉक के साथ, मेंशन के साथ। अभी मैं सैलून के पेडिक्योर सेक्शन पे आ गई हूँ, एक हमारी बहन है कुछ कर रही है। हेलो, क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से हुआ? मैं यूपी से आई हूँ। यूपी से? हाँ। यहाँ कहाँ रहती है? यहाँ गांधीनगर। अच्छा, गांधीनगर से। और कब से आप ज्वाइन हुई मामी जी के पार्लर में? अभी 1 मंथ हो रहा है।
वन मंथ में, है ना? और वन मंथ में क्या क्या सीख लिया? मैं बेसिक ये बेसिक कर रही हूँ और मेकअप का भी कोर्स है, केमिकल है, तो मैं अभी बेसिक ही कर रही हूँ। और कैसा लग रहा है एक मंथ में यहाँ? बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा नर्वस थी, मैम दूसरे वाले ब्रांच पे चली गई थी तो, लेकिन उसके बाद मैम के आने के बाद बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो मैं गलत जगह नहीं गई हूँ, मैं अच्छी जगह। उसके बाद आपका जब पार्लर का कोर्स हो जाएगा उसके बाद आप फिर यूपी चले जाएंगे? हाँ, मैं वहीं जाके अपना पार्लर ओपन करना चाहती हूँ। जी, कब तक ओपन करने का सोची है आप? मैं यहाँ से मेरा ससुराल में की मायके में ओपन करेंगे? मैं ससुराल में करूंगी ना। यहाँ तक यहाँ से मेरा क्लियर हो जाए पूरा, मैं सीख लूँ अच्छे से तो फिर मैं जाके वहाँ ओपन करूंगी। तो अभी मैं सैलून के दूसरे सेक्शन पे आ गई हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, है ना। और यहाँ जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे 3D फेशियल चल रहा है। एक हमारी बहन है, ये इनसे बातें करते हैं। हेलो बहन, कैसी हो? ठीक हूँ दी। कहाँ से हो आप? मैं कुसमी से हूँ। कुसमी से, जसपुर जिला? यस। इतने दूर से आप आए हो यहाँ पे पार्लर का कोर्स करने के लिए? यस दी। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को यहाँ पे 5 मंथ हो गए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है 5 मंथ में? बहुत अच्छा। क्या क्या सीखने को मिला? सब कुछ मैं यहाँ पे सीख गई हूँ, मेरा कंप्लीट ही है पार्लर कोर्स यहाँ पे, और मैं अपना पार्लर जाके कुसमी में खोलना चाहती हूँ। अरे वाह, जो भी कुसमी के ऑडियंस है, जो जसपुर से कुसमी साइड से जो हमारी ऑडियंस देख रहे हैं, उनसे प्लीज निवेदन है कि प्लीज जब हमारी छोटी बहन, क्या नाम बताइए आपका? लवली गुप्ता। लवली गुप्ता पार्लर किस नाम से रहेगा? लवली ब्यूटिशियन से। अरे वाह, लवली ब्यूटिशियन के नाम से कुसमी में, ध्यान दीजिएगा, कुछ ही दिनों में ओपनिंग करेंगे, बुलाएंगे ना हमें? यस मैम, जरूर बुलाएंगे। ओके, तो वहाँ जरूर जाएंगे हम लोग और आप लोग भी आइएगा जरूर, क्योंकि कुसमी में भी अब आप लोगों के लिए हमारी छोटी बहन पार्लर खोलने जा रही है, तो आप लोग भी जरूर आइएगा दोस्तों। और क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे सीख के। जितने लोग भी ब्रिटा मैम से सीखना चाहती हैं वो आके यहाँ पे सीख सकती हैं, कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपने पे कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं जाके खोल सकती हूँ अपना पार्लर वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू मैम। अब जितने लोग भी मैम को एंड कंचन मैम को फॉलो करते हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं वहाँ से, वो बिल्कुल आके मेरे से सीख सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं। अब मेरा नाम लेकर जाएंगे तो डिस्काउंट? हाँ बिल्कुल, ठीक ना? हाँ। तो अभी आप लोग देखे स्टूडेंट क्या क्या वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी हमारी मैम जी मुझे दूसरे साइड लेकर जा रही है। कहाँ लेकर जा रही है मुझे कोई आइडिया नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। चलो, ये प्रॉपर मेकअप रूम है हमारा। यहाँ पे जब सीजन चलता है ना तो ब्राइडल्स होती हैं। अच्छा। और साथ ही साथ ये एरिया मेरा एकेडमी का भी है। अगर हम क्लासेस लेते हैं तो प्रॉपर इसी रूम में लेते हैं, एक अच्छा स्पेस मिल जाता है। प्रॉपर एकेडमी के ही नाम से ये रूम बनवाया है मैंने। जी जी। बच्चों को अलग अलग चेयर्स दी जाती हैं, यहाँ पे मेकअप की प्रैक्टिस होती है, और जब थ्योरी वगैरह देते हैं हम लोग तो यही थ्योरी देते हैं बच्चों को। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या यहाँ पे मेकअप के क्लासेस चल रहे हैं। कोमल, तुमको कैसा लगा है क्लास ज्वाइन करके? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। कंचन है, यूट्यूबर है, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है, बताओ जी। कहाँ से यहाँ? मैं यही अंबिकापुर से, केदारपुर से आ रही हूँ। कितने मंथ हो गए आपको करते हुए ये? लगभग 1 मंथ हो चुके हैं। 1 मंथ है ना जी। तो केदारपुर फिर उसके बाद आप पार्लर ओपन? हाँ, मैं अपना पार्लर ओपन करना चाहती हूँ। वैसे तो यहाँ बहुत कंपटीशन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि मैं आई भी अच्छी जगह पे हूँ। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को बहुत अच्छा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप गाइड करें, एक एक स्टेप उन लोग आगे चढ़े, एकदम से ए से जेड में नहीं पहुंचे। यहाँ से कोर्स करके अगर जाएंगे तो ये रहेगा कि अपन खुद का एक बिजनेस चालू कर सकते हैं। बिल्कुल, यही सबसे मेन यही है। और मैं लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि छोटे छोटे शहरों से, कस्बों से बच्चियां जैसे निकल के आई हैं, निकलो। आज ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कुछ ना कुछ आप इस फील्ड में करके ही जाओगे। नहीं है, कटिंग है, थ्रेडिंग है, मैनीक्योर पेडीक्योर है, जैसे कि तुमने देखा भी, फेशियल है, अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, और मैं उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देती हूँ ना कि अपने एरिया में जाके कॉन्फिडेंसली लोगों से बात करें और काम करें। तो यही तो है ना, बच्चे जो घर में बैठे हैं दिन भर मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई जिनकी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो कम से कम ब्यूटी इंडस्ट्री में ही आए। मैं बोलना भी चाहूंगी कि नहीं, निकले। जब बच्चियां आती हैं, सीखती हैं, मुझे खुद इतना अच्छा लगता है कि कर रही है वो, और इतना अच्छे अच्छे जगह से। और अभी तक के 500 स्टूडेंट मेरे पार हो चुके हैं, 500 स्टूडेंट सर्टिफाइड हो चुके हैं यहाँ से, तो मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को
खुश किस्मत समझती हूँ। कुछ ना कुछ वर्क कर सब बाई चांस ही एक दो बच्चे हैं जो बताते हैं कि उनकी लाइफ अभी नहीं बन पाई है, नहीं तो मैंने देखा है कि मेरे यहाँ के गए हुए बच्चे किसी ने सैलून, किसी ने पार्लर, किसी ने कैसे भी अपनी होम सर्विस चालू कर दी है। तो कितनी अच्छी बात है, बहुत सारे ब्यूटिशियन भी आए अपनी अपनी जगह पे। अब फोन आता है, मैम हमारा मेकअप अच्छा हो गया, आपने सिखाया, आपने गाइड किया, आपके गाइड से बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि और भी जैसे कई बच्चे मेरे पास कॉल भी बहुत आते हैं, अगर मेरे पास 100 कॉल आ रहे हैं तो उसमें से सीधी सी बात है 5 बच्चे ही निकल के आते हैं। तो मैं बोलूंगी कि डर की कोई बात नहीं है, यहाँ डरे हुए बच्चों को भी मैं कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ, और जो भी उनके अंदर कहीं पे भी एक शिकन है कि जाएं नहीं जाएं, सही होगा नहीं होगा, तो आप लोग पर्सनल भी आके मेरे यहाँ जो स्टूडेंट सीखते हैं उनसे आप लोग बात कर सकते हैं, उन्हें कैसा लगा, कैसा काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मतलब विजिट करेंगे तो ही तो पता चलेगा ना, तो विजिट करके आप देखें समर्थ आ गए हैं, निकलो बाहर सीखो। जी, और टाइमिंग क्या है अभी यहाँ की? टाइमिंग बच्चों को मैं 12 से 6 बजे के बीच में बुलाती हूँ, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल टाइम होता है 12 से 6 के बीच में। अपने मन से आओ, अपने मन से जाओ। क्लासेस कितने टाइमिंग की होती है? 12 से 6। सैलून तो हमारा 9 से 9, 9 AM to 9 PM रहता है, बट वही है कि उस समय मैं नहीं बुलाती, इधर अपना 12 बजे के पहले और 6 बजे के बाद। कुछ न्यू सिखाती होंगी ना, कोर्स इतना ज्यादा है सब एकदम, उसके बाद प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है। तो अगर मैं 2 महीने में कोर्स खत्म कराती हूँ तो बच्चे प्रैक्टिस को बहुत टाइम लेते हैं, तो 6-6 महीने प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि सब कोर्स की अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग समय है हर कोर्स का, तो उस हिसाब से टाइम देते हैं, उस हिसाब से पूरा मैनेजमेंट बना के देते हैं, लिस्ट बना के देते हैं। और सबसे पहले जिस दिन आप आएंगे उस दिन मैं पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बना के देती हूँ कि आपको ये सिखाया जाएगा। ये इतनी डरी हुई थी, इनफैक्ट जब ज्वाइनिंग करने आई थी तो ये अपनी बहन के साथ आई थी और पूरा इनकी बहन ने बात करी थी, ये बात भी नहीं कर रही थी। आज इस कंचन के वीडियो में इसने बात करी, मुझे बहुत खुशी हुई कि 10 दिन में इसके अंदर इम्प्रूव आया कि ये बात करने लगी। यहाँ की एकेडमी से क्या क्या कोर्सेज कराए जा रहे हैं और भी कोर्सेज कराए जाते हैं समय के अनुसार से, है ना? हाँ, तो अभी मैं बोलूंगी कि जैसे नेल्स वगैरह के क्लासेस चालू हो रहे हैं, प्रेस ऑन होते हैं, अगर कई लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है तो नेल्स की क्लास मांग रहे, तो प्रेस ऑन हम कराते हैं। मेकअप की 5 दिन की हम वर्कशॉप देते हैं। ब्रिटास यूनिक सेक्स सैलून में आप लोग भेज सकते हैं, एड्रेस है अंबिकापुर नगर निगम पानी टंकी के जस्ट सामने में इनका सैलून है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा दोस्तों, इनके पास कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर नहीं है इनका नंबर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कंचन बहुत अच्छी बच्ची है हमारी, सच में ये समय समय पे मेरे पास आते रहती हैं, अपडेट लेते रहती हैं, बट जैसे हम यूट्यूब में डालते हैं वो मुझे अपडेट करने आ रही या मेरे लिए मैसेज दूसरों के लिए छोड़ती हैं, तो इसे फोन ना करें क्योंकि पूरी डिटेल इसे नहीं पता है, पूरी डिटेल मैं ही बता पाऊंगी। तो हम लोग नंबर दे रहे हैं, उसी नंबर पे आप कॉल करें तो डायरेक्ट मेरे से आपका संपर्क होगा, और डायरेक्ट आप मेरे से बात करेंगे तो बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है, बात कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मैं रात हो दिन हो मैं हर कैंडिडेट को रिप्लाई करती हूँ। इस वीडियो को ढेर सारी शेयर करना दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इनका पार्लर और इनका एकेडमी, इनका जो क्लासेस चल रहा था वो कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को भी जुड़ना है तो जल्दी से इनके नंबर पे कॉल कीजिए और ढेर सारे डिटेल लीजिए और कल ही ज्वाइन कर लीजिए, और कल से क्लासेस आपके चालू हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।